दोस्तों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? ईश्वर से कामना है कि सभी अच्छे से रहें, सबके पास खुशियां हों और मनुष्य जीवन का अर्थ समझ पाए हर कोई। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है और हमें कुछ भी बिना संघर्ष के इस जीवन में नहीं मिलता। और दोस्तों, बात करें, अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है और दीपावली पूरे देश में, उत्तर भारत में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जी हाँ, स्वादिष्ट पकवान बनेंगे, घर को फूलों से सजाया भी जाएगा। इस दिन गणपति और महालक्ष्मी की आराधना पूजा भी की जाएगी। इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करने वाले के घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और दोस्तों, अगर बात करें पूजा के घर में, तो शंख का बड़ा महत्व है, जैसे हरोली है, अक्षत है, धूप बत्ती है, इस तरह की सारी चीज़ें, उनमें भी एक है जिसका नाम है शंख। दोस्तों, दीपावली के दिन शंख की ध्वनि करने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। और ऐसा ही मान्यता है कि इस दिन अगर अपने घर में हम शंख बजाते हैं, वैसे भी कभी तो हमारा घर जो है दूषित वातावरण, वो सब नष्ट हो जाता है, शुद्ध वातावरण में बदल जाता है और घर परिवार में शांति के साथ समृद्धि भी आती ही है। और अगर शास्त्रों की माने तो लक्ष्मी माँ की पूजा के अवसर पर घर में शंख घंटी बजाना बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से घर के वातावरण में मौजूद सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और परिवार में महालक्ष्मी के स्वागत के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, शंख और घंटी की ध्वनि परिवार में सुख शांति समृद्धि लाती है और इसे महालक्ष्मी का भाई भी बताया गया है शंख को। जी हाँ, धर्मशास्त्र में शंख की पूजा समृद्धि, दीर्घायु, प्रसिद्धि और पापों के नाश के लिए की जाती है। देवी लक्ष्मी को शंख बहुत प्रिय है। विष्णु पुराण में जी इसे महालक्ष्मी का भाई बताया गया है। और वैज्ञानिक है उनकी मान्यता के अनुसार तो शंख को बजाने से दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है, जो हमारे वाणी में दोष है वो समाप्त हो जाता है, श्वास के रोग हैं अगर तो उससे छुटकारा मिल जाता है। शंख की जो ध्वनि है वो बहुत शुभ मानी जाती है। इसकी आवाज़ से मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों का संचार होता है और नकारात्मक प्रभाव का, ऊर्जा का नाश हो जाता है। दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि शंख एक प्रकार का होता है तो नहीं दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शंख तीन प्रकार के हैं, एक वामावर्ती, दक्षिणावर्ती और मध्यवर्ती। वामावर्ती शंख माँ लक्ष्मी का और दक्षिणावर्ती शंख श्री नारायण विष्णु का प्रतीक माना गया है। दक्षिणावर्ती शंख को घरों में विशेष रूप से पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि दक्षिणावर्ती शंख के रखने से रोजाना अगर कोई पूजा करता है अपने घर में शंख की, तो उसके घर में धन और दौलत, सुख संपत्ति आती है। शंख की स्थापना विशेष अवसरों पर करने से बहुत लाभ होता है, जैसे कि दीपावली है, धनतेरस है, पुष्य नक्षत्र है, दशहरा है, अक्षय तृतीया है, इस पर करना ज़्यादा शुभ होता है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में इस दीपावली में शंख बजाएं, शंख की पूजा करें, भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर अपनी समृद्धि को बढ़ाएं और गणपति की आराधना कर बुद्धि को पाएं। और बुद्धि और धन जहाँ होता है वहाँ यश होता है। तो दोस्तों, आपके जीवन में आपको सब कुछ मिले, इसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।